मैं सबसे पहले आज मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, कैप्ट दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस टू इन्फॉर्म एवरी वन, स्पेशली थ्रू द मीडिया। मैंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके लिए रखा है क्योंकि कल, आज लास्ट डे है इलेक्शन का, कैंपेन का। थोड़े घंटे के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कोड ऑफ कंडक्ट लागू होगा, हम प्रचार नहीं कर सकते। तो पीपरा मोथा पार्टी के थ्रू एज अ फाउंडर मेंबर, क्योंकि हमारे सब लीडर्स ग्राउंड में आज भी प्रचार कर रहे हैं, मैं आम जनता को, हमारे लोगों को ग्राउंड में सबसे पहले अपील करना चाहता हूं कि काइंडली 26 तारीख को जो ईस्ट त्रिपुरा से है, आप लोग सवेरे सवेरे निकलिए और जाकर वोट दीजिए। मुझे मालूम है कि त्रिपुरा में गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसी के लिए जितना जल्दी निकल सकते हैं जब धूप इतना ना हो, आप जाइए और अपना फ्रेंचाइज को वोट कीजिए। ये डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में आपका अधिकार बनता है, आपका वोट है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि किसके लिए वोट करना है आपको, आप सब ज़्यादा जानते हैं, लेकिन मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि आपका अधिकार, आपका वोट है और ये आपको एक मौका मिला है। प्लीज़ गो आउट एंड वोट फॉर योर चॉइस ऑफ पार्टी कैंडिडेट, वो आपके ऊपर है। सेकेंड चीज़ है कि मैं इलेक्शन कमीशन को भी एक रिक्वेस्ट देना चाहता हूँ, क्योंकि त्रिपुरा में इतना गर्मी है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ हीट वेव, तो हमारे जो वोटर्स हैं, कोई भी पार्टी से हो, कोई भी सपोर्टर हो, उनके लिए पानी का व्यवस्था हर पोलिंग बूथ में किया जाए, क्योंकि इतने गर्मी में लोगों को बाहर निकल कर लाइन में खड़ा रहना बहुत मुश्किल रहता है। तो इलेक्शन कमीशन को भी पानी का व्यवस्था हर पोलिंग बूथ में करना चाहिए, ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। फाइनली आई अपील टू एवरीवन दैट ये जो इलेक्शन हो, शांति से हो और अच्छे तरीके से हो। डेमोक्रेसी में हम सबको एक अधिकार बनता है, कोई भी पार्टी हो उसको उसमें वोट देने के लिए। एंड आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन एंड आई अपील फॉर पीस सो दैट देर इज़ नो वायलेंस, नो फाइट। इलेक्शन के बाद हम सबको एक ही परिवार बनके, एक छोटा स्टेट है त्रिपुरा, हम सबको एक संग ही काम करना है। चुनाव का कैंपेनिंग का पीरियड ख़त्म हो गया है, होने वाला है, तो मैं अपील करता हूँ कि इलेक्शन में शांति से आप लोग अपना फ्रेंचाइज एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर दोहा समाज को एक रहना है तो एक दूसरे से झगड़ के कुछ नहीं मिलेगा। झगड़ने से देश ही कमज़ोर होता है, दोहा ही कमज़ोर होता है, कम्युनिटीज ही कमज़ोर होते हैं। तो मैं इसके लिए अपील करता हूँ कि ये पूरा जो प्रोसेस हो शांति से, बस यही मिल गया। थैंक यू। अगर दो तीन सवाल है तो मैं आई कैन आंसर। Statement by Pramukha President Vijayan, where he said that more power to ABC, direct funding and all these things, direct funding to the central government, these should be given as per the accord that was signed by the central. So far there has been no clarification. Yes, I will in detail sit down with you, Devraj, and one-on-one we'll do an interview. I know you've been saying that I've not been giving you time. Let the elections be over, I'll sit down with you and I will, वो जो अमित शाह ने बोला था, छोटी छोटी बात को भी मैंने बनिए जैसे किया है, तो वही छोटी छोटी बात को, उनके लिए छोटी बात होगी, हमारे त्रिप्रसा के लिए बड़ा बात है। तो मैं बैठकर आपके साथ आपको ओवरलोड कर दूंगा इन्फॉर्मेशन, लेकिन अभी ये इलेक्शन खत्म हुआ। इस त्रिपुरा के ज़्यादातर एरिया में कुछ वोटर्स वोट बॉयकॉट कर रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में? जिनको वोट बहुत करे दीची माने इतिमध्ये पश्चिम त्रिपुराय सिन्हा विधानसभा केंद्र 170 পরিবার তারা ভোট বয়কট করে, তাদের দাবি হচ্ছে তারা রাস্তা পাচ্ছে না, এডিসি প্রশাসন সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ তাদেরকে কাজ দিতে। সুতরাং সেই ক্ষেত্রে এডিসি প্রশাসন চার বছরে কি কাজ করে? স্যার আপনার নাম? প্রসেনজিৎ বলছি। বিজনেস পাবলিক নাও, পাবলিক নাও কো আপ বতাইয়ে কি ক্যা বাজেট থা আমারা চার সাল মে পিডব্লিউডি কা, क्या बजट था पीडब्ल्यूडी के लिए? जैसा पैसा आएगा हम रास्ता उसी जगह में बनाएंगे।
তাহলে কি মানে রাজ্য সরকারের দিকে আমি না রাজ্য সরকার না সিপিএম সরকার কিছু টাকা দিল না এই রাস্তা কি চার সাল কে পেরে নেই থাকে ये सिस्टम रहा है अब पैसा आएगा अब मैं रास्ता शिमला में बनाऊंगा थालछरा में बनाऊंगा जब पैसा आएगा तभी तो बनाएंगे अब पैसा आएगा अब पहला सेकंड बात है एक लेडीज फर्स्ट लेडी ने एक सवाल पूछा बहुत लोग जो वोट बॉयकॉट करने के लिए बोल रहे हैं उनका रीज़न भी जेन्यून है लोग पॉलिटिकल सिस्टम से थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि 75 साल से हाईएस्ट वोटिंग टर्नआउट त्रिपुरा में ही हो रहा है लेकिन डेवलपमेंट में ट्राइबल एरियाज में हमारा कम हुआ है तो इसमें अगर मीडिया भी अगरतला से थोड़ा सा कम प्यार करे और थोड़ा सा गांव में भी जाए तो आप लोग यही प्रॉब्लम यही सवाल मिस्टर मानिक सरकार को भी पूछ सकते थे लेकिन आपने नहीं किया 25 साल तक आपने मानिक 20 साल तक आपने मानिक सरकार को त्रिपुरा का सबसे गरीब चीफ मिनिस्टर बना के रखा लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया कि तिपरासा एरियाज में क्या प्रॉब्लम था मार्केटिंग हुआ ना यहाँ तो आप लोग भी यही सवाल जैसा आज आपने मुझसे पूछा है मानिक बाबू से पूछते कि शिमला में थालछरा में गंडतीसा में भगीरथ में कितने एरियाज़ में आज भी पानी का समस्या है वो 20 साल तक आपने क्यों नहीं एड्रेस किया तो ये बात है तो जो उनका प्रॉब्लम है आपका क्वेश्चन है इट्स ए जेन्युइन प्रॉब्लम और आई थिंक दैट वी हैव टू एड्रेस इट और मैं उनको अपील करता हूँ अगर आपको लगता है कि वोट बॉयकॉट करने से कुछ मिलेगा तो ये आपका राइट है नोटा भी आपका राइट है लेकिन जितना भी हो सके मैं दिल से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा बस मैं यही कहता हूं अगर इस बारे में सीपीएम के जो ऑपोजिशन लीडर है उसे रिजल्ट सबल किया गया तो बोल रहा था कि ये प्रॉब्लम पिछले 25 साल का नहीं है ये प्रॉब्लम पिछले 4-5 साल का प्रॉब्लम है एडीसी गवर्नमेंट एरिया की प्रॉब्लम है ये तो 2018 का पहले राम राज्य चल रहा था त्रिपुरा में हम रावण हैं मानिक बाबू राम था बस ठीक है आप मीडिया है यू आर अ इंटेलिजेंट लेडी यू नो दैट दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ 5 इयर्स और 25 इयर्स दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ 75 इयर्स एंड इसको ख़त्म करने के लिए एक टाइम लगेगा मैं अभी आज ईस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ लेकिन आपको शायद वेस्ट से ज़्यादा प्यार है तो मैं बोल देता हूँ इसके बाद में मैंने आज ही अपना टीम को भेज दिया है और उनका जो भी समस्या है कि वेस्ट का इलेक्शन ख़त्म हो चुका है तभी भी आई विल पर्सनली मेक श्योर दैट वहाँ में उनका समस्या का हल हो उनका कंप्लेंट मुझे मालूम है मैं तो मैं उसको सॉल्व करूँगा आप क्या आपका क्या सजेशन है नहीं आप सजेशन दीजिए मैं बोल रहा हूँ ना मैं जा रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ मैं जाऊँगा मैं खुद उसका सॉल्व करूँगा अगर आपके पास और अच्छा सजेशन है कि मैं हाँ तब बस सजेशन के लिए नहीं आया ना हाँ तो मैं भी आपको जवाब दे रहा हूँ मैं जवाब ही दे रहा हूँ आपको अगर आपका सजेशन है तो अच्छा है मैं और कर सकता हूँ लेकिन मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि मैं वो प्रॉब्लम का भी समस्या का प्रॉब्लम का सॉल्व करूँगा I am hopeful because Amit Shah himself in Kumarghat and in the agreement and before the agreement also, the Home Minister has assured that there will be funds which will be given to us in proportion to our population. Wherever the state cannot meet the demand, the center will intervene. So I am hopeful that they will do something. Let's wait and see. I have not become silent. I will, whenever there is injustice, wherever there is disproportion, I will always speak out. I am not here to keep quiet and say everything is fine. Everything is not fine. Work has to be done. We are not living in a utopian era. We have to work. We have to work every day. आपने सिमना के बारे बात किया. मैं आपको और 200 गांव दिखा दूंगा जो सिमना से भी खराब हैं. लेकिन इसके लिए काम करना पड़ेगा. और इसके लिए मैं काम करने के लिए तैयार हूँ मुझे थोड़ा शस्त्र चाहिए हमें थोड़ा फंड्स चाहिए और काम करेंगे लेकिन फंड्स आना पड़ेगा इसके लिए मैंने अमित शाह ने भी ये बात कुमारघाट में सबके सामने बोला उससे पहले मुझसे भी बात हुई है वही बात उन्होंने कहा परमानेंट सोल्यूशन इज दैट द होल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट शुड गेट फंड्स
which will make Agartala at power with Bangalore, Guwahati at par with Delhi, Dimapur or Kohima at par with Chennai, let's say Imphal at par with Hyderabad. When we become self-sustainable as states, then our people, whether it's Bengali or Tiprasa, don't have to go to Hyderabad and get jobs there. A husband does not have to, ek pati apna biwi ko chhod kar 5000 kilometer dur mein jaakar chowkidar ka naukri kar raha hai, wo karne ka darkar nahi padega. So that is the final solution. But till we reach that, we have to at least raise these voices. Just because we are in government, we'll keep silent is not right. Land to ami keno shor, why will I leave my land? Public now is very interested in Tipra land. Aap ek bar mujhe public now mein invite kijiye Tipra land ke bare debate karne ke liye, usme main aapko acha sa jawab dunga. Bhagra, is Tripura ke jaise ki Kanchanpur area mein pichle कैंपिंग से शुरू बाद में जब वहाँ का जीरो रिपोर्टिंग लिया गया, आप तो मेरे संग ही गए थे एक बार, पहले के बाद, जो जीरो रिपोर्टिंग लिया गया था भागे कुछ यूट्यूब चैनल्स में ये दिखाया गया है कि वहाँ का लोगों ने कहा कि पार्टी कोई भी हो, फ्लैग कोई भी हो, कलर कोई भी हो, ताचल में वोट देंगे. बुबागरा, आप खुद कांचनपुर में जाके कैंपिंग करके आया है, क्या फील हुआ वहाँ का, रिएक्शन कैसा था? देखिए, हमारे ब्रू लोग दे आर वेरी गुड पीपल, दे आर आवर कम्युनिटी. I love my Brew people. I have fought for my Brew Riang people. Everybody knows it. जहाँ तक मुझे लगा, मैं सब लीडर के बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि अगर मैं अभी बोलूँगा तो कुछ कुछ को खराब लगेगा, मैं एक क्लैरिफाई करना चाहता हूँ. लेकिन मुझे लगता है कि हमारे Brew लीडरशिप में अब हमको नए नए यंग Brews को लाना पड़ेगा एंड मेक देम लीडर्स. जब तक एक पुराना जनरेशन ही हमारे ब्रू का कम्युनिटी का लीडर बन के रहेगा, उनको जो नया प्रॉब्लम्स जो हमारे यंगर जनरेशन को आ रहा है उनका सॉल्व नहीं होगा. तो उनका जो भी इश्यूज है, यूट्यूब का भी मैंने सुना है, लैंग्वेज में है, एक्चुअली उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन. और इसी के लिए मैं जब कंचनपुर भी गया था, मैंने देखा दे ऑल लव, आई लव देम, दे लव मी. देयर प्रॉब्लम इज दैट लीडरशिप में क्राइसिस है, और मैं चाहता हूँ कि अगले 2-3 साल के अंदर कुछ अच्छा यंग ब्रू लीडर्स, यूथ निकले, जो हमारे ब्रू को, हमारे दूसरे तिपरासा कम्युनिटीज़ को एक लेवल में लाकर रखे. जब तक गरीबी रहेगी, जब तक हमारा ब्रू का कंडीशन अच्छा नहीं रहेगा, तब तक फ्रस्ट्रेशन रहेगा. और जब फ्रस्ट्रेशन रहता है तो लोग बोलते हैं 2-3 चीज़. लेकिन अगर इसको सॉल्व करना है, इसके लिए मैंने आई अपील टू ऑल माय यंग ब्रू, दे मे बी इन तिपरा मोथा, दे मे बी इन सीपीएम, कांग्रेस, दे मे बी इन YBA, अगर आप लोग ये 26 तारीख के बाद मुझे 4-5 अच्छे यूथ लीडर्स को दे देंगे, तो मैं उनको ग्रूम करके उनको वापस अपने ब्रू एरियाज में भेज कर मैं उनको ऐसा लीडर बनाऊँगा जो अगर 100 रुपये यहाँ से गया तो एटलीस्ट 95 रुपीज़ तो हमारे ब्रू के पास जाए, अगर 1,00,000 गया तो 95,000 उनके पॉकेट में जाए. आजकल मुझे क्या लग रहा है कि बीच में, ड्यू टू, किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन, ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन, पैसा ज़मीन तक ठीक से नहीं पहुँच रहा, कहीं में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है. मैं किसी को नहीं बोल रहा कि उन्होंने गलत किया, लेकिन उनमें वो पुश करने का पुराने ज़माने का एक थिंकिंग है, यूथ आएगा तो एक अच्छा चांस मिलेगा और वो डेवलप करेगा. सो आई थिंक दैट इज़ द इशू, एंड आई थिंक दैट अगर ये एड्रेस करेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, पॉलिटिकल राइट्स चाहिए एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन चाहिए, वो मिलेगा. अच्छा बुबागर, जो एकॉर्ड हुआ था जो ब्रो के साथ, आप भी थी तब जो एकॉर्ड हुआ था, उस वक्त उन लोगों को जो फैसिलिटी देने का वादा जो किया गया था, वो फैसिलिटी क्या वो लोग अभी मिल रहा है? नहीं, मुझे लगता है, किस वजह से हो सकता, मुझे लगता है, नहीं, आपका अच्छा क्वेश्चन है. मैं कल गया था एमपी में, अमरपुर में, रायमा वैली में, वहाँ में देखा तो वहाँ में हर घर के सामने एक वाटर टैंक था, सोलर लैम्प था,
घर भी जो बनाया गया है वो रोड में बनाया गया है, तो जो एक्सेसिबिलिटी है वो था। जब मैं दसदा गया, घसीराम पारा गया, तो मुझे लगा कि जो पैसा ठीक से और अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए। तो इसमें मैं कोई का नाम नहीं ले रहा हूँ, लीडर का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन कभी कभी हमारे लीडर्स लोग ब्रू के जब SDM से मिलते हैं, DM से मिलते हैं, तो डर डर के बोलते हैं कि सर हेल्प करो, थोड़ा सा हिम्मत दिखाते जाके फाइट करना पड़ेगा। और वही बात मैंने अपने कंचनपुर में अपने EM और MLA को बोला, आपको आपका कम्युनिटी के बारे, अपने ब्रू के बारे बात करना चाहिए। आपको डर डर के DM, SDM ऑफिसर के सामने जाकर रिक्वेस्ट करने का कोई दरकार नहीं है, आपको पब्लिक ने चुना है, आप थोड़ा निडर होकर जाके बात करो। इसी के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इफ़ यू कैन गेट यंगर जनरेशन लीडर्स, YBA में हो, BSCO में हो, जो भी NGO में, अगर ऐसे करके 4-5 लीडर्स, अगर अच्छे लीडर्स हमको दे दिया गया, तो मैं उनको ग्रूम करके उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस डालकर उनको बोलूँगा जाकर अपने अधिकार के लिए डिमांड करो, कोई शर्म का बात नहीं है। अगर इतना रुपया आया है तो और रुपया आना चाहिए, जब तक हम लोगों की सिचुएशन ठीक नहीं होगा और आना चाहिए। और लैंग्वेज हो, काउब्रू हो या कुछ और हो, उसमें भी आपका अधिकार है, आपको बोलना चाहिए, कोई आपको रोक नहीं सकता। ये मैंने बोला सर, কিছুক্ষণ আগে কংগ্রেস দলের তরফে সাংবাদিক সম্মেলন করা হয়, প্রায় মধ্যেই তিনি সাংবাদিক সম্মেলন করছিলেন, তিনি অভিযোগ করেছেন 2018-তে বিজেপি যিনি বর্তমানে বিশ্বের প্রার্থী 2018-তে 36 দলে ওনার ক্যান্ডিডেটের নাম ছিল কৃতি দেবী সিং, এবারে সেটা এফডিপিকে জমা দেওয়া হয়েছে কৃতি দেবী দেববর্মণ, মানে দেববর্মণ কমিউনিটি ভোট এবং রাজবাড়ি সূত্র ধরে ভোট পাওয়ার জন্য এই কাজটা করেছেন, কি বলবেন আপনি? नहीं, आप कहाँ से, आप कहाँ से? इंडिया से, हिंदुस्तान का परंपरा क्या है? जब आपका शादी होता है, जब आपका माँ का भी आपके पिताजी के साथ शादी हुआ होगा, तो उसने आपके पिताजी का सरनेम लिया। जब आपका ग्रैंड मदर भी होगा, तो उन्होंने आपके ग्रैंड फादर के साथ शादी किया होगा। या कल आपका बहन अगर किसी और से शादी करता है, तो वो अपना हस्बैंड का सरनेम लेता है, ये परंपरा है। इंदिरा गांधी का नाम क्या था सर? आप मुझे मैं आपको राम कथा सुनाता हूँ, ठीक है? इंदिरा गांधी का नाम क्या था? इंदिरा गांधी का नाम क्या था बिफोर शी मैरिड फिरोज गांधी? इंदिरा कौल या इंदिरा नेहरू? जब उनका शादी हुआ, तब उनका हस्बैंड का नाम फिरोज गांधी था, तो इंदिरा गांधी तब इंदिरा गांधी बनी, उसके पहले तो इंदिरा नेहरू थी। हमारा बहुत आई रिस्पेक्ट सोनिया जी अलॉट, उन्होंने देश के लिए, उसका हस्बैंड, उनका मदर इन लॉ का भी देहांत, तो आई रिस्पेक्ट सोनिया गांधी अलॉट। बट बिफोर सोनिया गांधी ने राजीव गांधी के संग शादी किया था, विवाह किया था, तो उनका नाम सोनिया एंटोनियो मायनो था। जब उनका शादी राजीव गांधी के साथ हुआ, तब वो सोनिया गांधी हुई, मायनो का टाइटल छोड़ा। तो भाई, ये हिंदुस्तान में परंपरा है कि जब आप किसी से शादी करते हैं, तो आपका हस्बैंड का नाम आप लेते हैं। यही बात शायद राहुल गांधी ने भी कभी एक, मैंने देखा, रैली में बोला था, ठीक। मेरा बहन पैदा हुई है तिपरा सा, उनका ST सर्टिफिकेट, पैदा होकर तो शादी नहीं हुआ, उनका नाम कृति देव बर्मन है। शादी के बाद जब उन्होंने किसी से शादी किया, तो हस्बैंड का सरनेम लिया। अच्छा, कंचन प्रभा देवी, हम लोग रॉयल फैमिली में देवी सरनेम रखते हैं, मणिपुर में भी रखते हैं, पुराने फैमिली में अरुंधति देवी, ये हम लोगों का कल्चर है। लेकिन जब शादी होता है, तो आप अपना सरनेम हस्बैंड का सरनेम लेते हैं। तो अभी जैसे कि प्रियंका गांधी, पब्लिक नाउ को मैं पब्लिकली कुछ बोल रहा हूँ, ठीक है? प्रियंका गांधी वड्रा, क्यों वड्रा लिख रहे हैं? क्योंकि उनका शादी रॉबर्ट वड्रा से हुआ है। तो यही चीज़ मेरे बहन ने किया है। दूसरा बात, आज लास्ट डे है इलेक्शन कैंपेन का, मैं सुदीप राय बर्मन को प्यार से बोलना चाहता हूँ, मेरे भाई, इलेक्शन ख़त्म हो चुका है, आपने मुझे महाजन बोला, आपने सब कुछ बोला, मैंने आज बात भी किया सुदीप को, मैंने फ़ोन लगाया, इलेक्शन ख़त्म है, अब
इलेक्शन ख़त्म होने के बाद मैं मीडिया को भी एक बात बोलना चाह रहा हूँ, आप लोगों और कोई मनोरंजन साउंड बाइट्स नहीं मिलेगा। आप लोग अपना आपको इतना सीरियसली लेते हो। मैंने आज सुदीप से बात किया, मैंने उसको बोला ब्रदर हाउ आर यू, लाइक गुड फाइन ब्रदर, हम लोग अच्छे से बात करते हैं, आपको लगता है कि हम लोग फाइट कर रहे हैं। मेरा फाइट मैं आज ओपनली बोलता हूँ, पब्लिक नाउ को स्पेशली बोलता हूँ, कितना प्रचार कर रहे हैं आपका आज, हाँ ब्रदर पब्लिक नाउ को मैं बोलना चाहता हूँ, मेरा फाइट CPM से है और ईस्ट त्रिपुरा में मेरा फाइट CPM के साथ। बस कांग्रेस के लिए आज भी मेरे दिल में थोड़ा सा प्यार है, इसके लिए मेरे कैंपेन में मैंने राहुल गांधी हो, प्रियंका जी हो, सोनिया गांधी हो, उनके खिलाफ कुछ नहीं बोला। मेरा फाइट CPM के साथ है। मैं जानता हूँ कि मेरे बहुत अच्छे लीडर बिरजीत सिन्हा, बिरजीत बाबू को जान से मारने वाले थे CPM के वर्कर्स लोग, और बिरजीत बाबू का उस टाइम शूटिंग में एक आदमी मारा भी गया, बिरजीत बाबू के खिलाफ केस फाइल किया गया, उनको हत्या के ऊपर अक्यूज़ किया गया। बिरजीत बाबू अगर उस दिन उस जगह में रहते, ये दो आज से 15-20 साल का पुराना बात है, तो बिरजीत बाबू को काट देते CPM के वर्कर्स। आज वही बिरजीत सिन्हा कैलाश शहर में जाके CPM को वोट देगा, मीडिया को बोलेगा कि मैं वोट दूंगा, लेकिन EVM के सामने मैं जानता हूं कि बिरजीत बाबू नोटा देगा। मानिक सरकार अभी आपके सामने बोलेगा कि मैंने कांग्रेस को वोट दिया। मैं जानता हूं दिल में मानिक बाबू तो आपके सामने नहीं बोल सकता कि मैंने नोटा दिया, लेकिन वो नोटा दे रहा है। और मैं खुद मैं जब देखता हूं कि सुदीप बहुत अच्छा कलाकार आदमी है, आई लव सुदीप, यू नो इज अ ग्रेट गुड फन, अभी आप इसको भी कोट कर लीजिए, और सुदीप और मैं 26 तारीख के बाद मैं उसके घर में जाके चाय पीऊँगा, या अगर मैं उनके घर में जाऊँगा या वो मेरे घर में आएगा, हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने भी 30 साल CPM के संग फाइट किए, मैंने भी जिंदगी भर तक CPM के संग फाइट किए, तो ये जो अलायंस है ये एंटी CPM का है, इसमें आप ज़्यादा सीरियसली मत लें। और 26 तारीख को मैं क्लियरली बोल रहा हूँ कि वोट एंटी CPM का होगा ईस्ट त्रिपुरा में, और इसके लिए मुझे किसी से अपील भी करने का दरकार नहीं है। मैं जानता हूँ कि सबने CPM का शासन देखा है, कांग्रेस ने CPM का शासन देखा है, वो भी मुख से तो CPM का झंडा उठाएंगे, दिल से CPM के पक्ष में वोट नहीं करेंगे। अरे कैसा सवाल पूछते हैं, कैसा सवाल पूछते हैं अगर हर अब इंडिपेंडेंस भी पूछेगा वो बोलेगा हम जीत रहे हैं। जीतेंगे भाई, जीतेंगे, अच्छे से जीतेंगे। तीन सीट होता तीन भी जीत जाते, लेकिन दो ही है, दोनों का दोनों सीट जीतेंगे। You said your version of why coming with BJP. That you have said. But the Congress and the CPM coming together. I don't want to comment. Now election is over. No, I'm saying you. Because this is very interesting. But two opposition parties in the NDA also. And in the India also. So your side you have cleared. So how do you see the Congress and the CPM coming together? Why was it? They are saying to save democracy. You have to say that. You have to say that. But my point is that you see CPM can defeat Rahul Gandhi in Wayanad. Pinari Vijayan has called Rahul Gandhi Pappu, right? Now Priyanka Gandhi is campaigning for Congress against CPM in Kerala, right? But in Tripura she is saying the Ramnagar mein CPM ko vote do. दिल का अलायंस नहीं है, मजबूरी से हुआ है, लेकिन आई स्टिल फील दैट अगर कांग्रेस को त्रिपुरा में वापस उठना है, डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, तो अगर कांग्रेस को त्रिपुरा में उठना है तो कांग्रेस को खुद अपना पार्टी को स्ट्रांग करना पड़ेगा। CPM का हाथ पकड़ के चलेंगे तो कांग्रेस का नुकसान होगा, लेकिन मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, लेकिन जो भी मेरा पुराना कांग्रेस के संग कनेक्शन है, मेरा वही दिल्ली को एडवाइस होगा कि आप अगरतला का बात सुन के
सीपीएम के संग अलायंस मत कीजिए, कांग्रेस को आप स्ट्रांग कीजिए, सीपीएम का हाथ पकड़ने से कांग्रेस दुर्बल होगा। सर प्रधानमंत्री मोदी बिहारे लालू यादव परिवारतंत्र अभियोग बारंबार भाषण दिए राज्य देखल मंच मुहूर्त ईस्टर जी प्रार्थी उन्नी अनेकटा योग्य प्रश्न हमें आपनी कि कौन परिवारतंत्र समर्थन कर निजे मन के दाड़ करिए एक ही संगे तीव्रा मथाय योग्य प्रार्थी मेरा पब्लिक नाउ से अगेन क्योंकि पब्लिक नाउ ही आज मुझसे सवाल पूछ रहा है तो मैं पब्लिक नाउ का फिर से वो करके प्यार से ये सवाल आपने 2018-19 में क्यों नहीं पूछा जब मेरा दूसरा बहन प्रज्ञा लड़ा था क्यों नहीं पूछा। मैं अब आपको सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं ये सवाल यही यही सवाल मैंने 2019 में भी अपना बहन को लगाया था तो उस टाइम कांग्रेस क्यों ठीक था तो बार ठीक है 2028 में बोलेंगे जब रहेगा आप पब्लिक नाउ 2028 में पक्का आप मालिक हैं आप पब्लिक नाउ के मालिक हैं ओ तब तो रहेगा।